मैम लेटर भी दिया मैम या रुक सेंटर मैम बोर्ड बोर्ड प्लीज आकाश जी इधर या ऑल ऑफ यू सेंटर वन मोर सर नहीं फिर दादा हाँ थैंक यू सो मच. आई थिंक आकाश ने जो मैसेज कन्वे करना चाहा है कि हमारा जो जजमेंट होता है लोगों को लेके कि जो पहला जब भी हम किसी से मिलते हैं किसी से बात करते हैं जो हम परसेप्शन बना लेते हैं उस पर्सन के बारे में और एक्चुअली में वैसा होता नहीं है. जब हम किसी को पर्सनली जानना शुरू करते हैं तो कुछ और ही हमें पता चलता है उसके बारे में. तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज जो एक शॉर्ट फिल्म के जरिए कन्वे करने की कोशिश की. बहुत ही सिंपल सी कहानी बहुत ही प्यारी है. एंड में ट्विस्ट भी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस कहानी से. आई एम रियली थैंकफुल टू आकाश एंड द कास्टिंग डायरेक्टर. हाँ जी माइंड में आई वाज लाइक कि हाँ एक शॉर्ट फिल्म है और लेट्स सी मैं पढ़ता हूँ. पहले तो जब मैंने पढ़नी शुरू की तो फिल्म एक फ्लो में चल रही है तो जो आखिरी में जब ट्विस्ट आया तो मुझे लगा ये कमाल का सब्जेक्ट है. इमीडिएटली मैंने निखिल को फ़ोन किया जो कास्टिंग जिन्होंने की है. उनको कहा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. डैम गुड. शूटिंग का ये हमने एक दिन में पूरा फिल्म का शूट फिनिश किया है. जिस तरह से आकाश बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर थे फिल्म को बनाने के लिए और जो उनका विजन था वो बहुत क्लियर था तो एक दिन में हम इसे फिनिश कर पाए. बहुत कमाल का एक्सपीरियंस. जैसे बात आती है शॉकिंग जब पहली बार आपने सुना आपको कैसा फील हुआ? स्पर्म डोनर कम लोग जानते हैं. अब तो विकी डोनर के बाद से आई थिंक बहुत लोग. जी जी कैसा रहा रिएक्शन जब आपने पहला स्पर्म डोनर के बारे में सुना? सुना नहीं जानता तो पहले से था और आई थिंक विकी डोनर ने बहुत अवेयरनेस ला दी इंडिया में उस फिल्म में. तो अब काफ़ी टाइम हो गया लोगों को पता है इसके बारे में तो इतना कुछ शॉकिंग नहीं रहा. बट हाँ जिस तरह से स्टोरी में ये कैरेक्टर रिवील होता है कि आखिरी में वो इस तरह का इंसान नहीं है जैसा आप समझ रहे हो वो स्पर्म डोनर है तो वो एक ट्विस्ट था जो फनी भी था इमोशनल भी था एक सेम पॉइंट पर. तो आई थिंक ये कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था. और दूसरा होता है क्या भारत में इस प्रकार का कारोबार नहीं कहेंगे आप इसको बट आई थिंक स्पर्म बैंक्स है जहाँ पर ये मुझे पता नहीं मैंने कभी मुझे भी जितनी नॉलेज है फिल्म से इंटरनेट के जरिए बट डेफिनेटली होता है प्रोफेशनल तरीके से होता है लोग करते हैं. थैंक यू सो मच. कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेके और कितनी खुशी हो रही है? मैं बस यही कहूँगा कि इस कहानी फिल्म की कहानी खुशी मुझे हर फिल्म को बना के होती है. अच्छा क्योंकि मेरा पैशन है और एजेंडा हमारा फिल्म बनाने का ये नहीं होता कि हम ये बताएं कि भाई कि आप पैसे बनाएं या कोई इंटरेस्टिंग फिल्म बनाइए वो दिखाएं. हमारा एजेंडा मेरी हर फिल्म का एजेंडा ये होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको दिखाऊं जो आप सोसाइटी में हो रही है बट वी लुक एट इट वेरी डिफरेंटली बट आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं और एड्रेस अगर कर भी रहे हैं तो उसको आप मैं नहीं चाहता कि आप मेरी फिल्म देखें और फिर आप बोलें हाँ ठीक है बहुत अच्छा मैसेज था और छोड़ दें उसको. मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रैक्टिस करें. मैं भी मेरे को भी पता है कि बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना क्योंकि मैंने फिल्म बनाई और उसके दो दिन बाद ही मैं किसी को जजमेंटल बिहेवियर की तरह आई मीन आई वाज जजिंग समबडी और मैं अपने ब्रेन में बार बार प्राइम कर रहा हूँ कि मैं ये गलती दोबारा ना करूँ. सो आई वुड जस्ट आस्क एवरीबडी जो भी फिल्म देखे कि वो एक बारी सिर्फ एक बारी वेट करे किसी की टू स्माइल और उसके बाद सोचे कि वो आदमी कैसा है या फिर एक बार इस फिल्म के बारे में सोचे बिफोर यू जज समबडी. जी जी
सेंसिटिव नहीं है. आई थिंक दिस इज़ वॉट एवरीबडी डज. आई थिंक हर कोई जजमेंटल होता है. आई हैव बीन जजमेंटल अबाउट सो मेनी थिंग्स, सिचुएशंस, पीपल. एंड लाइक आकाश सेड, इट्स अ वेरी डे टू डे थिंग दैट एवरीवन फेसेस, बट नो वन रियली केयर्स अबाउट थिंकिंग ट्वाइस अबाउट. सो इट्स जस्ट अ मैसेज दैट ही इज़ लाइक रिमाइंडिंग पीपल दैट थिंक वंस बिफोर यू जज समबडी. लाइक आई सेड कि बहुत लोग अलग अलग वॉक से आते हैं लाइफ में, उन पर क्या बीता है, वो कहाँ से आए हैं. एवरी वन हैज़ अ जर्नी और हम सिर्फ उनको दो मिनट के लिए देख के वो पूरी जर्नी जज कर लेते हैं बिना जाने कि वो जर्नी क्या है. हम उनको पूरी तरह से जज कर लेते हैं. मैं ये भी मानती हूँ कि हर इंसान में एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हर इंसान में. एंड आई थिंक इफ़ यू आर पॉजिटिव टूवर्ड्स समबडी, यू विल ओनली ब्रिंग आउट द पॉजिटिव साइड. तो मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब मैं किसी नए इंसान को मिलती हूँ, अगर मैं देखती भी हूँ कि उनमें शायद गुस्सा है या इनसिक्योरिटी है या कुछ है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि वो भूल जाओ, अच्छी चीज़ें निकालो उस इंसान का, तो शायद इट विल हेल्प बोथ ऑफ अस नो ईच अदर बेटर. एक्चुअली मैं इतनी जल्दी एक्चुअली जज नहीं करती हूँ. मैं टुडे इन द डे समबडी आस्क्ड मी कंटेस्टेंट के बारे में जिसके साथ मैं काम कर रही थी. दे वर लाइक, आप जब पहली बार उनसे मिले तो आपने क्या सोचा? तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं सोचा. दे वर लाइक, आपका क्या इम्प्रेशन था? मैंने कहा कोई इम्प्रेशन नहीं था. अभी एक दिन बाद मुझ पर इम्प्रेशन पड़ा है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ लाइक दिस एंड ही इज़ लाइक दैट. बट ऑनेस्टली जब मैं उस रूम में मैंने एंटर किया, मैंने कुछ नहीं सोचा. मैंने सोचा पहले काम करो, फिर पता चलेगा कि इंसान कैसा है. सुना तो, लोग थिएटर में जब बैठे थे और स्पम्प डोनर की बात आई, सब शॉक्ड हो गए थे. कौन शॉक्ड हो गया था? आप शॉक्ड हो गए थे. पहला रिएक्शन क्या था जब आपके कान में इस तरीके की बात आई? क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में इस तरीके का चीज़ें, कैसा रिएक्शन रहा स्पम्प डोनर? हिंदुस्तान में ये चीज़ें होती है, इट्स नॉट कि नहीं होती है, होती है, बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट. एंड आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग शॉक थे, और अगर थे देन आई थिंक लोगों को जजमेंटल होना कम होना होगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट हैपन्स. लोग गिव इट फॉर वेरियस रीजन्स. सम पीपल वॉन्ट टू हेल्प अदर पीपल मेक अ फैमिली. बहुत लोग पैसों के लिए करते हैं एंड दैट इज़ नन ऑफ आर बिजनेस. ये होता है. एंड वॉट आकाश वॉज ट्राइंग टू से थ्रू दिस फिल्म इज़ दिस, कि तुम एक इंसान को ऐसे कैसे जज कर सकते हो इस बेसिस पे कि what he is doing, why he is doing it nobody knows, you're only looking at what he is doing. तो स्पम्प का व्यापार होता है, आप ये मानती हैं? Of course होता है. जी जी. कैसे नहीं होता है? जी हाँ. You know the concept is very very promising. Why don't you come, Anil? Come, please come. Yeah, exactly. Don't be judgmental. Yeah. और इतना अच्छा सब्जेक्ट है, इतनी अच्छी सोच है behind the whole project. लेके जा रहे हैं? नहीं, लेके जा रहे हैं फेस्टिवल. मैं इसको 200 फेस्टिवल पे लेके जा रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, और 9 लैंग्वेजेस में लेके जा रहा हूँ. इसमें अरेबिक है, टर्किश है. द मूवी हैज बीन डब्ड इन 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस. सो यस, सो 200 कंट्रीज में जा रही है. अभी दुबई में प्रीमियर भी है 6 को. तो क्योंकि वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, खाली इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है. I'm an actor. मुझे किसी भी टाइप की एक्टिंग इंटरेस्ट नहीं, whether it's on the web, whether it's on TV, whether it's a film, whether it's theater, मुझे अपना काम करना है. I'm a greedy actor, तो जहाँ मुझे अच्छा काम दिखेगा मैं उस वहाँ भागती हूँ. It doesn't matter कि 10 लोग देखते हैं कि 10,000 लोग देखते हैं. I've been lucky कि अब तक बहुत लोगों ने मेरा काम देखा है and I'm very grateful for that, but मैं बस अच्छे काम की तरफ भागती हूँ. मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती हूँ. जब कुछ कॉन्फर्मेशन होगा, जब मैं बता पाऊँगी, मैं खुशी खुशी सबको बताऊँगी. चलिए.